Hello, Professor Ramdas here. Hello, Professor Ramdas ji. मैं म्यूजियम क्यूरेटर बोल रहा हूँ. गुड मॉर्निंग. परसों मैंने आपसे कुछ पूछा था, उसका क्या हुआ? वो सौर मंडल के बारे में ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके काम आएगा. पता नहीं, मेरे पास कुछ ओल्ड स्टोन पड़े हैं, शायद वो आपके कुछ काम के हो. प्रोफेसर, यू आर इंटरेस्टेड इन ओल्ड स्टोन? शैल आई कम टुमारो? हाँ, आप कभी भी आ सकते हैं. यू आर ऑलवेज वेलकम. ओके सर. सर सर, एक मिनट. ओहो, आप लोग. अच्छा, राजा साहब अच्छे हैं ना? अच्छे हैं. आपको कल शाम को 3:30 बजे रामा म्यूजियम बुलाया. ना का म्यूजिक? हाँ, मैं भी वही कह रहा था. मेरा म्यूजियम से संबंध है, पर मेरा म्यूजिक से क्या ताल्लुक है? हमें क्या पता सर, उन्होंने जैसा कहा हमने कह दिया. हाँ, कह दिया. राजा साहब ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा, मेरी समझ में नहीं आया. यहाँ आने के लिए कहा क्या? हाँ. ये म्यूजिक शॉप आपका ही है? हाँ है. ये सब क्या हो रहा है? राजा साहब ने तुम दोनों को बुलाया है, चलो जल्दी. अभी चल रहा हो कि नहीं? अरे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए इतना धूमधड़ाका क्यों? चलिए. गुड मॉर्निंग राजा साहब. कैसे हो क्यूरेटर महोदय? ओह फाइन, थैंक यू. और कैसा है आपका म्यूजियम? मेरे म्यूजियम की क्या बात कर रहे हैं, आपका ये महल तो मेरे म्यूजियम से 10 गुना बड़ा है राजा साहब. मुझसे पूछें, आप पुरानी चीजों को इकट्ठा करने में अलादीन चक्रवर्ती से भी बढ़कर हैं. सही मानो तो उन्होंने इकट्ठा किया, मगर आपने हड़प लिया. वहाँ क्यूरेटर की तरह पड़े रहने से तो अच्छा था आपके साथ कोई क्रिएटिव काम कर लेता. आइए मैं आपको नया कलेक्शन दिखा. नया कलेक्शन? यही, क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड की महारानी ने राज्याभिषेक के दिन ये मुकुट पहन रखा था. इट इज ओरिजिनल. इसे वहां से चुराने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च हुए. और लॉर्ड डलहौजी से संबंधित एक चीज मेरे पास है, तुम बता सकते हो क्या? वो क्या चीज है? राजा साहब, आपको कोई समझ सका है? आपकी हर चीज लाजवाब है, जैसे ये कोट. ये जो कीमती कोट देख रहे हो, इसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए. दिस इज ओरिजिनल. ये है तंजावुर के रघुनाथ जी के द्वारा बजाई गई वीणा, ऐसा इसने कहा. सुपर. बट दिस इज नॉट ओरिजिनल. चिंता मणि मुरली प्रसाद, ये वैजू का बजाया वीणा है, सही है ना? यही जलियांवाला बाग के जनरल डायर का पिस्टल है. इट इज ओरिजिनल. नो, पकड़ो इधर, पकड़ो, पकड़ो. क्यूरेटर महोदय, अब मुझे आप अपने म्यूजियम के अद्भुत हीरे के बारे में बताइए. वो तो 16वीं सदी के श्री कृष्ण देव राय जी के समय का है. उसमें कुछ दैवीय शक्तियां हैं. वो तो इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन वो सब विश्वास योग्य नहीं है. मैं विश्वास करता हूँ कि वो अद्भुत हीरा है. वैसा हीरा मेरे ही पास होना चाहिए. ऑफ कोर्स, जब आपने मांगा तलवार हथियार लाकर दिए, लेकिन तब उतना खतरा नहीं था राजा साहब. लेकिन उस हीरे के पास टाइट सिक्योरिटी. अरे नहीं नहीं नहीं, आपके लिए तो सब कुछ संभव है. हे, 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 हे.
चलो ना। सब लोग लाइन पे चलो, लाइन पे। हाँ ए किशोर, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये म्यूजियम का बैल है, रानीबाग का नहीं, जहाँ देखो चढ़ जाते हो। सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। देखो बच्चों, ये विजयनगर का हीरा है, कृष्णदेव राय जी के जमाने का बहुत प्रसिद्ध हीरा है। कोहिनूर हीरे के बाद दूसरा स्थान इसी का है। अगर इसे खुले में रखेंगे तो कोई चुरा ले जाएगा। चुरा कर ले जाना आसान नहीं है बेटा, हीरा चुराने के लिए कोई अगर हाथ बढ़ाएगा तो अलार्म बज जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी। देखो ऐसे। पर कहाँ है सिक्योरिटी गार्ड? इस मिस्टीरियस बॉय। हाँ सर, मिस्टीरियस चाइल्ड है ये। किशोर कम ऑन कम ऑन, चलो चलो आगे चलो। हाँ चलो 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 चलो, ये अच्छा है ना? इधर इधर चलो। हाँ ले लो। अजीब सी चीजें हैं ना। बच्चों ये पेंटिंग कृष्णदेव राय के जमाने की है। ये देखो ये वाली। चलिए चलिए बाहर चलिए, म्यूजियम बंद होने का टाइम हो गया। चलिए ओके ओके ओके, चलो जल्दी चलिए। हाँ हाँ चलिए जल्दी चलिए। हाँ Get in. बच्चे नजर आए क्या? जी नहीं, सारे बच्चे तो चले गए। हम आधे रास्ते से लौट कर आ रहे हैं, जरा देखिए ना, एक बच्चा अंदर ही रह गया है। एक बार आप चेक कर लीजिए ना। अंदर कोई नहीं है, हम छानबीन करके ही ताला लगाते हैं।
क्या हुआ माँ? Nothing to worry. पर ये बता, उस वक्त तू म्यूजियम के पास क्या कर रहा था? फैक्ट्री से आने में थोड़ी देर हो गई थी, देखा तो ये लड़का म्यूजियम में लटक रहा था और मैं ही उसे वहाँ से बचा कर लाया हूँ. क्या कोई खतरे वाली बात है माँ? जाने दो, बच्चा तो बच गया ना. इसके पेरेंट्स का पता चला? मैंने बता दिया है माँ, इसकी जेब में एक पर्स था, लगता है पहले भी लापता हुआ था. पर्स की चिट्ठी में लिखा है ये लापता हो जाए तो इस पते पर संपर्क कीजिए प्लीज. नमस्कार डॉक्टर ललिता. नमस्ते. हम किशोर के पेरेंट्स हैं. अच्छा आप हैं. किशोर को क्या हुआ है डॉक्टर? अभी कुछ नहीं हुआ है, इंजेक्शन दे दिया है. सर में चोट लगी है जो अंदरूनी गहरी है, 15 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा. जाकर देखिए, डिस्टर्ब मत करना. थैंक यू डॉक्टर. डैडी डैडी, कृष्णा के बारे में पेपर में कुछ छपा है. क्या हुआ है माँ बेटी, फिर से कृष्णा में बाढ़ आ गई क्या? मैं कृष्णा नदी के बारे में नहीं कह रही हूँ, कृष्ण कुमार के बारे में कह रही हूँ. ओह, he is your good friend ना? क्या किया उसने? देखो, कल रात उसने एक हीरो की तरह बहुत अच्छा काम किया और एक बच्चे की जान बचाई. गुड, अच्छा काम किया उसने. ये ब्लैक एंड व्हाइट है डैडी, कलर में और अच्छा दिखता है. ओह, तुम हरदम उसी के बारे में बातें करती रहती हो, एक बार उसे अपने घर तो बुलाओ बेटी. वो बोल रहा था डोली लेकर एक दिन खुद ही आ जाऊंगा. हेलो. हेलो, हाउ आर यू किशोर? आप ही ने मुझे बचाया. हाँ. आपका नाम? कृष्ण कुमार. आई एम किशोर कुमार. हाउ डू यू डू? फाइन. हाँ छोटू, हम दोनों की फोटो एक साथ न्यूज़पेपर में छपी है. लिखा है कि तुम मुसीबत में थे और मैंने तुम्हें बचाया और सब कुछ पेपर में लिखा है, देखो. पर हीरे की चोरी के बारे में कुछ नहीं लिखा. क्या मतलब? वो एक सीक्रेट है. जरा पास आओ और पास आओ. म्यूजियम में कृष्णदेव राय का हीरा है ना? हाँ. वो वहाँ नहीं है, चोर उठा के ले गए. ओ, अच्छा है, गुड. अच्छा वो चोर कौन थे? चोर? वो तो मुझे पता नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रॉमिस. बेटा, लगता है तुम एक्शन मूवीज बहुत देखते हो. मैं सच कह रहा हूँ अंकल. देखो किशोर, उस डायमंड को कोई भी छू नहीं सकता. पता है, घंटियाँ बजेंगी. हमारे स्कूल में भी ना बजती रहती है घंटियाँ, पर चोर आए और घंटी बजी नहीं. विश्वास नहीं हो रहा ना? हो रहा है. तुम 15 दिन तक रेस्ट करोगे तो मैं विश्वास करूंगा. हेलो. हाय. तुम तो यहाँ प्रोप्राइटर हो ना, फिर तुमने वर्कर की ड्रेस क्यों पहनी है? ये सभी लोग वर्कर भी हैं और प्रोप्राइटर भी. वो कैसे? तेरे मेरे प्यार की है ये कहानी. मैं हूँ तेरे दिल का राजा, तू है रानी.
जादू है रानी। जाने जाने तुमको देखा मैं बनी दीवानी कैसी। हाँ तो बोलो ये राज खोलो, कुछ तो बोलो हाँ खुल के बोलो। तेरे मेरे प्यार की है ये कहानी, तू है मेरे दिल का राजा मैं हूँ रानी। कौन हो भाई तुम? तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ा सोना चोर भाग गया। अरे तुम मुझसे आकर खुद ही टकराए और अब मुझे ही डांट रहे हो। पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये क्या सर, वो आपके सामने से ही तो भागा है। मैंने नहीं देखा। देखने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें तो मैं सुनो हा? तुम्हारी लाठी। थैंक यू। हेलो हेलो हेमा, गुड मॉर्निंग सर। कौन हो भाई? ओ तुम पेपर बॉय। सर मैं पेपर बॉय नहीं हूँ, मैं कृष्णा कुमार हूँ, हेमाज फ्रेंड। आई नो तुम वही हो ना आज सुबह जिसकी फोटो पेपर में छपी थी। यू सेव द बॉय हेमा। कम 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 हेमा। व्हाट हैपेंड डैडी? ऑल दिस क्लॉक हियर, आई थिंक दैट बेटर एक्सप्लेन हियर। दिस व्हील, Come here. This gear is attached to क्या the other. Hema. Hi. Mr. Krishna Kumar, मेरी बेटी हेमा। ये मेरे ही फ्रेंड है डैडी। Oh, I'm sorry. मैं तो भूल ही गया था। बहुत जल्दी आ गए तुम। Oh, engagement फिक्स किया है क्या? Hey, no. तुम्हारे पेरेंट्स? पिताजी बचपन में ही चल बसे, माँ अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर है। डैडी डैडी ये ना MBA इलेक्ट्रॉनिक्स है। तुम MBA इलेक्ट्रॉनिक्स हो? हाँ जी, और मेरी एक फैक्ट्री भी है। हाँ, और इन्होंने नई म्यूजिकल इक्विपमेंट्स और पॉकेट टेलीविजन भी इन्वेंट किया है। ऐसा क्या? मैं भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इट इज द मोस्ट फैंटास्टिक इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। वो क्या है सर? द टाइम मशीन। मतलब समय के साथ साथ यात्रा करने वाला यंत्र। समय के साथ यात्रा करने वाला यंत्र? कृष्णा तुम्हें ऑरेंज जूस चाहिए या ग्रेप जूस? डोंट डिस्टर्ब, गेट मैंगो जूस। ये भी ना, वो पीछे से जाने के लिए इशारा कर रही है ना। हाँ सर। तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, कम ऑन गो। आओ, हम साधारणतया एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते हैं, अहमदाबाद से दिल्ली तक, इंडिया से अमेरिका तक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे हम भी हमेशा वक्त के साथ साथ सफर करते रहते हैं, ये मेरे जैसे साइंटिस्ट की राय है। आओ आओ सर। नो नो डोंट वरी, दिस इज माय लेबोरेटरी, प्लीज कम कम कम। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ताला खोलने जा रहा हूँ। हाँ,
उसकी जरूरत नहीं है सर, सिर्फ कड़ी लगाई थी आपने। सर ताला लगाना भूल गए हैं आप। ओ हाँ बेटा। तब How is it? पुष्पक विमान जैसा है। पुष्पक विमान जैसा है। अरे उसमें क्या था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करता था बस। लेकिन ये है टाइम मशीन। Go, get in. किसी भी काल में बड़ी ही आसानी से जा सकते हो। हाँ तब लास्ट ईयर के वो जो हमारे और वेस्ट इंडीज के बीच में मैच में भी जा सकते हो। हाँ तो फिर मैं कॉलेज से बंक मार के हेमा के साथ फिल्म देखने जाता था वो। हाँ तुम स्कूल छोड़कर जहाँ मस्ती करने जाते थे तुम वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा तो हम अभी कौन से काल में जाएंगे? आप बोलिए सर। तुम बोलो कृष्णा, मैं तुम्हें फुल इंडिपेंडेंस देता हूँ। तो फिर इंडिपेंडेंस डे पे पहुँच जाते हैं, August 15, 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी को झंडा लहराते हुए देखते हैं। गुड। अभी तुमने जो डेट बोला, अगर उधर जाना है तो पहले वो डेट सेट कर लेनी चाहिए। अभी हमें इस डेट को दिल्ली जाना चाहिए ना? हाँ सर। दैट्स इट। अभी हमको हैदराबाद से दिल्ली जाना है। अगर हम ये बटन दबा दें तो हम उसी डेट को उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। सर मुझे डाउट है। डाउट? व्हाट डाउट? अगर वहां गए और वापस ना आ पाए तो? What do you mean by that? अगर मैं वहाँ 2 दिन रुक के आना चाहूँ तो? ओहो, हमारी जो जरूरतें हैं खाना और कपड़े के बारे में बोल रहे हो? ये आइडिया मुझे कब से आया हुआ है बेटा। वो छोड़ो, वो देखो, वो 2 सूटकेस, उनमें से एक मेरा है और एक मेरी बेटी का है। किसी भी वक्त हमें जाना पड़ सके इसलिए ना पहले से ही जमा के रख दिया है। बैठो। ये बेल्ट लगा लो। हाँ हाँ। दिल्ली इंडिपेंडेंस डे। ओके ओके। बेल्ट टाइट है ना? ओके। 3, 2, 1 गो। ये क्या सर, अंधेरा छा गया? नहीं बेटा, दिल्ली में लाइट चली गई होगी। इंडिपेंडेंस डे के दिन पावर कट। डैडी मैं जूस लेकर आई हूँ। अरे हेमा तू दिल्ली कैसे आ गई बेटा? बाप रे, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया, इतने सारे वायर हैं, जाने कब क्या हो जाए। मतलब हम दिल्ली नहीं पहुँचे क्या? दिल्ली दूर है, बाद में जाएंगे। लीजिए जूस पी लीजिए। जूस? जूस? Something is wrong. I must go and check out. चोरों को पहचान लोगे? हाँ क्यों नहीं, एक बार दिख गए ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? तब सबको पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ए, अगर तूने चोरों को पकड़ लिया तो तुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा। टीवी पर भी देखोगे। करेक्ट, हम सब मिलकर दिल्ली जाएंगे। करेक्ट, मैं भी चलूंगी। चलो चलो चलो। किशोर क्या कह रहा था? और क्या, वही कहानी सुना रहा था, वही म्यूजियम, वही चोर। माँ अगर किशोर सही कह रहा है तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। अरे बाप रे, असल बात क्या है कुछ पता नहीं, खामखा झगड़े हो जाएंगे। सही है, अंधेरे में वो अकेला शायद डर गया होगा, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है, और शायद ये भ्रम है।
मैं उसे और 4 दिन रखूंगी, अच्छी तरह से टेस्ट करूंगी, फिर उसका डिस्चार्ज करूंगी। अरे माँ, एक काम करूँ क्या? उसे उसी म्यूजियम में ले जाकर हीरा दिखा लाऊं क्या? अच्छा ले जाऊ। डायमंड यही है ना? हाँ। यहीं पर है ना? हाँ। फिर भी विश्वास करूं? नहीं, चोरी यहीं पर हुई है। अरे माँ, अद्भुत हीरा है क्यूरेटर महोदय। क्या अद्भुत है राजा साहब, जब से बच्चे ने चोरी करते हुए देखा मेरी जान आफत में है। म्यूजियम में जिस लड़के ने तुम्हें देखा हॉस्पिटल में है ना? हाँ। तो फिर तुम दोनों भी जाकर हॉस्पिटल में ज्वाइन हो जाओ। कैसे? तुम्हें अपने आप पता चलेगा। मोहन, हॉस्पिटल में ऐसे भर्ती होना था क्या? अगर उस बच्चे ने हमें पहचान लिया तो हमारा स्वर्गवास तो कंफर्म है। हम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, वो लड़का हमें क्या पहचानेगा? बच्चा ही हमारा भगवान है। अम्मा, ये क्या चल रहा है? आप पूरी रात नाइट ड्यूटी करती रही, सुबह ऑपरेशन है कहकर हॉस्पिटल चली गई। तुम आओ, इतनी देर में खाना वाना सब तैयार हो जाना चाहिए बस। अब चलो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, मैं सारे डिश लेकर आता हूँ। ऐसा स्वादिष्ट खाना तुमने कभी नहीं खाया होगा। चलो चलो जाओ। ला 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 ला। कितनी आइटम बनाई है मैंने, आफ्टर ऑल लाखों में एक हूँ मैं, किस में कौन सा आइटम है बताओ। ये क्या कलर है बेटा? प्याज ही तो है माँ, सिर्फ कलर बदल गया है। ये दाल ही है ना? हाँ माँ, सांभर दिख रहा है क्या? पपाया ज्यादा हो गया इसलिए लुक चेंज हो गया। ला 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 ला। अब ये क्या है रे? बॉइल्ड राइस और फ्राइड राइस की तरह ब्लैक राइस है। अब ये कौन आ गया? एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। हेमा, आप लोग यहाँ बैठिए ना, बैठिए बैठिए, मैं अभी आता हूँ। इसे क्या हुआ? कौन है बेटा? आओ आओ ना, हेमा के पिताजी है डॉक्टर रामदास। मैं मशीन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, डर मत। मेरी माँ डॉक्टर ललिता। नमस्ते। ये MBBS डॉक्टर और ये PhD डॉक्टर। Have a seat please। तुम भी बैठ जाओ। हाथ में चम्मच क्यों लिए हो? वो मैं तुम्हारे पिताजी की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना। रसोई में एक्सपेरिमेंट, वेरी गुड। मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन करूँ? श्योर श्योर। बेटा कृष्णा, उसे खाना बनाना नहीं आता है। जाने दीजिए ना, वो लोग समझदार हैं। मैं भी यही सब बातें करने के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन आपने ही कह दिया। क्या कह दिया? अरे यही कि वे दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे हैं। ओह ऐसा है। सुनो बहन जी, मेरी बेटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, बताएंगी आप? समझ गई प्रोफेसर साहब, हेमा के बारे में कृष्णा मुझे कई बार बता चुका है और मैं भी उस लड़की को बहू के रूप में अपने घर में देखना चाहती हूँ। इस विषय में मैं भी आपसे बात करना चाहती थी। करेक्ट, हम हाँ कहें या ना कहें वो तो शादी कर ही लेंगे, सो क्यों ना हम उन्हें इजाजत देकर अपनी प्रेस्टीज को बचाए रखें? अपनी राय अपने बच्चों को बता दे तो। नॉट नेसेसरी, वो लोग पीछे से हमारी बातें सुन रहे हैं। ओके, हमने सब सुन लिया है, बाय। Thank you.
तुझे अकेला, मेरा दिल है तेरा, तेरा दिल है मेरा। किसको चोर बोला तू? आप नहीं सर, फिर से आपकी वजह से एक चोर भाग गया। ए रुक रे, एक्सक्यूज मी, माय लाठी सर, थैंक यू। आंटी, गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग, अभी अभी आई हो? हाँ आंटी। कृष्णा नहीं आया अभी तक? नहीं बेटा, हर रोज तो मुझे लेने आता ही है, लेकिन शादी के बाद पता नहीं मुझे लेने आता है या तुम्हें। चलो कैबिन में चलते, बेटा तुम वार्ड में जाओ। कम ऑन। एक्सक्यूज मी, आपका नाम हेमा है? हाँ। हमारे कृष्ण कुमार से शादी करने वाली हेमा? हाँ,
पर तुम कौन हो? मेरा नाम किशोर कुमार है। हाय। ओहो, तुम ही हो वो म्यूजियम बॉय? हाँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कृष्ण कुमार का फ्रेंड हूँ जी, आपकी और कृष्ण कुमार की जोड़ी ठीक है या नहीं यही देख रहा हूँ। आपको क्रिकेट पसंद है? हाँ। आपके पसंद का क्रिकेटर कौन है? युवराज सिंह। गुड, वेरी गुड। आपको ब्रेक डांस आता है? मुझे भरतनाट्यम में बहुत इंटरेस्ट है, मैं वही सीख रही हूँ। तब ठीक है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो अजीबोगरीब चीजें बनाते रहते हैं। अजीबोगरीब चीजें? हाँ, बहुत बड़े बड़े खिलौने, तमाशा करने वाले खिलौने। तमाशा वाले खिलौने? मैं उन्हें देख सकता हूँ क्या? हाँ, तुम बस मेरे घर आ जाओ, मेरे पिताजी तुम्हारे मना करने पर भी तुमको सारी चीजें दिखा देंगे। तो फिर चलो तुम्हारे घर चलते हैं। अरे बाप रे, डॉक्टर की परमिशन के बिना? परमिशन की क्या जरूरत है, आधे घंटे में आ जाएंगे। चलो। वो मैं 5 कृष्ण कुमार को आने में 1 घंटा लगेगा, तब तक हम जाकर आ जाएंगे। चलो। गुड इवनिंग डैडी। हेमा, इस समय कहाँ से आ रही हो? हॉस्पिटल से डैडी। हॉस्पिटल से? क्या हुआ तुम्हें? वो कृष्ण कुमार वहाँ आएगा। अच्छा, वो है क्या कनेक्शन? कृष्ण कुमार का फ्रेंड है। आई एम किशोर कुमार, 3rd स्टैंडर्ड। आई एम डॉक्टर रामदास, MMC, M.Tech and PhD. Nice to meet you. वो हमारा घर देखने आया है। मैं घर देखने नहीं आया हूँ, आप तमाशे वाले खिलौने बनाते हैं ना, वो देखने आया हूँ। What? तमाशा क्या है? Who said this? वो बस यूं ही कह दिया था। No such fun. This is serious. वो टाइम मशीन है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा है। मैं भी जो कहता हूँ, कोई उसका विश्वास नहीं करता। म्यूजियम में जिसने हीरा चुराया है, मैंने उसे देखा है, पर कोई विश्वास नहीं करता। क्यों विश्वास नहीं करेंगे? तुम इतना क्लियरली बोल तो रहे हो, और मैं जो बोलूंगा तुम उसका विश्वास करोगे ना? हाँ। तो फिर चलो चलो चलो। हाँ। मेरे मास्टर जी भी ऐसे गिरते। तुम बहुत बदमाश हो। Welcome to my laboratory. Laboratory? हाँ, come on. ये देखो। बाप रे, इतना बड़ा। ये है टाइम मशीन। टाइम मशीन? हाँ, come on. Get in. नहीं बेटा, 2 मिनट का काम है, एक्सरे निकालने के बाद फिर से जाके सो जाना। वहां जाकर बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ। आप लोग तो एक्सरे के लिए आए हो? अरे, दोनों को एक जैसी मार लगी है। आप लोग फिर एक जैसे दिखते नहीं हो, एक छोटा एक लंबा। आपको कहीं देखा हुआ लगता है। तुम लोगों को देखा है मैंने। म्यूजिक वाले चोर। स्टॉप। भागो भागो जल्दी। अरे रुको। ए रुको। हाँ, ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा मूड ठीक नहीं है। क्यों? एक बहुत बड़ा चांस मिस हो गया, प्रेसिडेंट अवार्ड भी गया,
टीवी का चांस भी गया, अब फिर कब उन्हें चोट लगेगी, वो कब अस्पताल में भर्ती होंगे और फिर मैं उन्हें पकड़ूंगा कब? किनको? वही हीरा चोर। हे भगवान। अरे किशोर, तू पिछले जन्म में टेप रिकॉर्डर रहा होगा। जोक मत करिए अंकल, कल जब मैं एक्सरे निकालने जा रहा था ना, तो कोई मुझे किडनैप करने आया था, देखा तो वही थे। अच्छा समझा, तुम्हें तो रेस्ट लेना चाहिए, जाओ। विश्वास नहीं हो रहा ना? विश्वास कर रहा हूँ, जाकर रेस्ट लो, फिर शाम को बाहर जाएंगे। ए माँ, अब जाकर को ठंडक मिली। अंकल। हाँ? आंटी। हेलो। अंकल, आंटी इतनी दूर जाकर क्यों बैठी है? नाराज हो गई है। पर क्यों? मैं उसे पार्क ले जाऊंगा, ऐसा प्रॉमिस किया था, तुम्हारे पास आ गया। आप दोनों में कट्टी हो गई है क्या? एक किस दूं तो आइसक्रीम की तरह पिघल नहीं जाएगी वो? ऐसा है? इतनी बड़ी लड़की को किस करोगे तो मारेगी ना? इसलिए डायरेक्टली किस नहीं करूंगा, तुम जाकर अपने इस गाल पर किस करवा के आओ। ओके। क्या बोल रहे हैं तुम्हारा मजनू अंकल? एक तुमको देने को कहा है। आइसक्रीम नहीं चाहिए? छी छी, आइसक्रीम नहीं। हाँ, अरे तेरी तो। अरे तुझे किस लेकर आने के लिए कहा था, तू तो किस देकर आ गया। क्या बोला उसने? मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ। क्या बोला तुमने? वो किस देगा और तुम लेने दोगी, वो मुझसे बेटर है। वंडरफुल अंकल, अच्छा लड़ते हो। कृष्णा, ये येलो ड्रेस वाले कौन थे? किशोर से क्या लेना देना इनका? अंकल, ये जरूर उस डायमंड वाले चोर के साथ ही होंगे। बताओ, म्यूजियम में जो तुमने चोर देखे थे, इनमें कोई था? ये नहीं है, इनमें और उनमें कोई न कोई संबंध जरूर है। ठीक है, मैं देख लूंगा। हेलो। हेलो ग्रैंडपा, मैं किशोर बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल से। ओह म्यूजियम बॉय, बोलो। आज कुछ येलो ड्रेस वालों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की, इनका और म्यूजियम के डायमंड चोरों का कोई न कोई संबंध जरूर है। आई सी ग्रैंडपा, आइडिया,
अगर हम वो टाइम मशीन से 4 दिन पीछे गए तो म्यूजियम वाले चोरों को हम पकड़ सकते हैं। व्हाई नॉट, जरूर पकड़ सकते हैं। थैंक यू ग्रैंडपा। तुम जो कह रहे हो वो सच है किशोर? बिल्कुल सच है। अच्छी इंग्लिश पिक्चर में ट्रेन के शॉट जैसा है, उसमें बैठकर बटन दबाते ही टंग से जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हैं। अगर हम सभी लोग उस पर बैठकर 4 दिन पीछे जाए तो उस चोर को पकड़ सकते हैं ना? करेक्ट। उस दिन मैं अकेला था इसलिए पकड़ नहीं पाया। अब हम सब साथ चलेंगे और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर तो हमें दिल्ली, टीवी, प्रेसिडेंट सभी प्राइज मिलेंगे। मैं भी चलूँ ना किशोर? हाँ, मैं भी आऊँ ना किशोर, प्लीज। नहीं सरिता, तुम चल नहीं सकती हो ना, हम जल्दी लौट आएंगे, फिर तुम्हें सारी बात बताएंगे। चलो। बाय बाय। बेटी हेमा, हनीमून में कहाँ जाना है? इसी के बारे में सोच रहे हो ना? हनीमून अभी कहाँ गया? सॉरी, मैरिज के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाना है? ऊटी कन्याकुमारी तो रेगुलर है। मैं आपका दामाद हूँ ना, उस टाइम मशीन में भेजोगे तो फिर मैं रामयुग में जाकर सीताराम जी की शादी देखकर आ जाऊंगा। और लौटते वक्त एक मटकी भर के दूध और एक मटकी भर के घी लेते हैं ना। इसीलिए बेटी, जिस क्षण से ही हमारे दामाद बन गए उसी दिन से मैंने इनका सूटकेस अपने और तुम्हारे सूटकेस के साथ टाइम मशीन में रखवा दिया। अरे बाप रे, मैं तो एक बात भूल ही गया, मीटर रीडिंग भी देखना है, अभी आया। इन्होंने तो मेरी जान ले ली थी। ए रुक रे, पहले तू तो रुक। जहां भी देखो चोर और उसके पीछे पुलिस वाले, टू मच डिस्टर्बेंस। ये प्रोफेसर साहब का घर, दरवाजा बंद है, पीछे से चलते। हाँ, चलो, हाँ, चलो, 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 चलो। ए, चोर के बच्चे, रुक जा, रुक जा। कहाँ बच के भागेगा चोर के बच्चे? भाग रहा हूँ तो भगाता ही जा रहा है तेरी माँ की चूड़ियों की दुकान। क्या कर रहा है? रुक, आज के बाद तू पीछा करना भूल जाएगा, समझे? मारू। हेलो सर। किशोर, ये तो वीडियो गेम्स है यार। मैं खेलू क्या? शट अप, कोई वीडियो गेम नहीं, रेडियो गेम नहीं। जोर से दबाओगे तो हम सब गायब हो जाएंगे। सुन सुन, मुझे लगी है रे। क्या? मुझे लगी है रे। अबे क्या? अरे ये लगता है ये तो बाथरूम में ही पैदा हुआ था। ए, हाँ? ये तो पुलिस का सायरन लगता है। नहीं, ये फायर ब्रिगेड की आवाज है। अब क्या करेंगे? अब कहाँ जा रहे हैं? किशोर और उसके सारे फ्रेंड हेमा के घर गए हैं। वहाँ क्यों गए वो? अरे वो टाइम मशीन में बैठकर हीरा चोर को पकड़ने के लिए गए हैं। हाँ, मैं डॉक्टर को बता दूँगी। कृष्णा, वार से किशोर और उसके सारे फ्रेंड प्रोफेसर के घर टाइम मशीन से चोर पकड़ने गए हैं। क्या? ऐसा क्या? हाँ बेटा। ठीक है। कृष्णा, क्या हुआ? बचाओ, 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 बचाओ।
इधर आओ, जल्दी, हेमा, जाओ, निकलो, चलो निकलो, जल्दी, इधर आओ, इधर आओ, अंकल, 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 जाओ, निकलो, चलो निकलो, जल्दी, जल्दी, इधर आओ, इधर आओ, अरे, अरे, जल्दी, हेमा, 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 चलो हेमा, कृष्णा पीछे हटो हेमा, हेमा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ। चलो कृष्णा चलते हैं। कहाँ जाओगी? कैसे जाए, कहाँ पर जाए, कुछ पता नहीं। तुम्हारे पिताजी ने टाइम मशीन बनाकर हमें मुसीबत में डाल दिया है। देखो, पिताजी के बारे में कुछ कहा तो मैं नहीं आऊंगी। मत आओ। ए रुको। हाँ। मैं भी आती हूँ। अब आई ना सही लाइन पे। ये जंगल जैसा दिख रहा है कृष्णा। लगता है हम किसी गलत सदी में आ गए। लौट चलें क्या? वो पालकी और उनके कपड़े तो देखो कि हम राजा महाराजा के युग में आ गए। हट जाओ पालकी।
नीचे रखो। अरे चलो तुम लोग हटो, अरे हट हट, चल 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 हट। ये लड़ने की कौन सी कला है? ना ये मलयुद्ध है ना ये मुष्टियुद्ध है, ये बिना अस्त्र के उसे बुला रहा है। कृष्णा प्रणाम युवक। नमस्कार। नमस्कार। इस जंगल में मेरे प्राण बचाने वाले वीर पुरुष को मैं नमन करती हूँ। आप कौन? मैं राज्य की नर्तकी हूँ, सीमा नंदिनी मेरा नाम है। राजा साहब के यहाँ नृत्य करना मेरा खानदानी पेशा है। राजा साहब मतलब? श्री कृष्ण देवराय प्रभु जी। ओह माय गॉड, हम लोग कृष्ण देवराय जी के युग में आ गए। आप मुझे बताएंगे आप किस राज्य से हैं? हम भी इसी राज्य से हैं। पश्चिमी देशों से? नहीं, हम भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदी बोलते हैं। हिंदुस्तानी है तो ये विचित्र वस्त्र धारण करने का मतलब? हम लोग आपसे 500 साल आगे फ्यूचर से यहाँ पर आए हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ चलिए, प्रभु से कहकर कि आपने मेरे प्राण बचाए हैं उसके लिए सम्मान दिलवाऊंगी। चले हेमा। जाना कहाँ हमारा वो? ओके 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 मतलब चलेंगे आपके साथ। चलिए। कृष्णा वो सारे डायमंड्स हैं क्या? अरे पुराने जमाने में हीरे मोती खुलेआम बिका करते थे, तुमने किताबों में नहीं पढ़ा क्या? हाँ। अरे हीरे का भाव दिए भाई? एक आने के चार। एक आने के चार? हाँ। अरे बहुत महंगे दिए भाई। तो मत लो। हेमा हाँ? तोला आने का मतलब एक रुपया होता है, मतलब एक रुपए में 64 डायमंड मिल जाते थे। इतने सस्ते? मेरे पास 1000 रुपए, हम लोग सारे डायमंड ले चलते हैं। तुम्हारे पास जो नोट है वो रद्दी के भाव भी नहीं बिकेंगे। अरे ये कहानी भी है, जब हीरे इतने सस्ते हैं तो कांजीवरम और चूड़ियाँ। सपने देखना बंद करो, लाखों साड़ियाँ ले जाने की प्लानिंग मत करो। चलो। ये सभा में जाने का मार्ग है, आइए। अरे ये कौन है, इनकी वेशभूषा भी अलग लग रही है, कहाँ से आए हैं, किस राज्य के हैं ये? राज नर्तकी उसे लेकर आ रही है, जरूर उसके रिश्तेदार होंगे। नमस्कार सेनापति महोदय। मुझे तो ये लोग परदेश से आए हुए लगते हैं। ये लोग मेरे अतिथि हैं। इन लोगों ने मेरे राजा साहब के आने का वक्त हो गया है, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार वैद्य जी, आसीन होइए। ये वही है ना महाकवि वैद्यराज? हाँ वही। हेमा है? हम लोगों ने वो स्कूल के टाइम किताबों में कवि वैद्यराज के बारे में पढ़ा था। हाँ? ना वो यही है। इसका मतलब वो डायलॉग बोलते हैं क्या?
अरे तुम भी ना, इंग्लिश पढ़ पढ़ के हमारी संस्कृति को बिल्कुल भूल गई हो तुम। कभी साहित्य में दिलचस्पी ली होती, बेवकूफ। वो देखो वो भी महाकवि नंद जी है। हाँ, ए, ये भी बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने भी साहित्य में बहुत कुछ लिखा है। तुमने इनके बारे में सुना तो होगा ही। हाँ हाँ, मुझे पता है, वही ना जिन्होंने सीता की किडनैपिंग के बारे में लिखा है। हे भगवान, मुझे बचा लो। वो कौन है? वो भी बड़े कवि हैं, और अभी जो बैठे वो श्री मूर्ति जी हैं। हाँ, तेनाली रामा जी कहाँ है? वो कवि का नाम याद रहा। चलो इसी बात पे हाथ मिलाओ। अरे देखो, नाम लिया और वो आ गए। नमस्कार कविराज। नमस्कार। क्या बात है तेनालीराम, आंख बंद करके क्यों चले आ रहे हैं? ओह, राज श्री कवि महाराज, हम जो भोजन करते हैं वो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और नित्य जिस व्यक्ति की हम वाणी सुनते हैं उसे आंख बंद करके पहचान सकते हैं। जिस मार्ग पर हम नित्य चलते हैं, क्या हम उस पर आंखें बंद करके चल सकते हैं? बस मैं यही जांच रहा था। अरे तेनाली जी, तभी तो आपको नटखट कवि कहते हैं। देखा है मां, नटखट कवि है एकदम। हाँ, मैंने भी इनकी कुछ कहानियां सुनी है। राजा धीराज, महाराज कृष्ण देव राय जी, परम चक्रवर्ती, सम्राटों के सम्राट, विश्व विजेता, परम दयालु महाराज श्री कृष्ण देव राय जी पधार रहे हैं। महाराजा धीराज की जय हो, महाराजा धीराज की जय हो। ये महाराज जी के पीछे कौन है? वो महामंत्री है इस राज्य की। ओहो, सत्य, धर्म, दया, सबको अपना लक्ष्य समझना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। विजयनगर वासियों ने इन सब बातों का पालन किया है। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विजयनगर के वासियों, विजयनगर के कवियों और अनेक राज्यों से आए हुए कवियों का मैं इस राज्यसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाँ, यहां आए सभी कवियों से मुझे एक बात कहनी है। जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरे मन में एक अजीब सा सवाल उठा। भगवान राम ने सीता को देखा और वो मुस्कुराए। आप लोग इस समस्या का अर्थ निकालिए। भगवान राम सीता मैया को देख के मुस्कुराए? ये तो बड़ा विचित्र है। इस युग में और द्वापर युग में कितना अंतर था, अर्थ निकालना कठिन है। ओह, आपने बड़े बड़े कवियों को सचमुच संकट में डाल दिया प्रभु जी। हेमा, अभी तेनालीराम जी इसका जवाब देंगे। पर तुम्हें कैसे पता? किताबों में लिखा है। मैं इसका उत्तर देता हूँ प्रभु। बोलिए कविराज। जब प्रभु आए उद्यान में, देख सीते मुस्काए, सौम्य मुख भगवान। आजकल ऐसे सिंगर मिलते हैं क्या? देख उन्हें वे लजाई, धीर बलवान प्रभु को भी आई हंसी, झुक गए नयन। मान गए तेनालीराम, तुम बुद्धि कुशलता में प्रवीण हो। हाँ दुर्जा कवि जी, अब आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? माना कि द्वापर युग और इस युग में बहुत अंतर है। मैं आपको कुछ गा के सुनाना चाहता हूँ। बुलबुले मन की है ये खुशबू, राम आ गए पास जो सीता के, पास आकर मुस्कुरा कर देखा उन्हें, यूं वे शर्मा गए। आहा, सुनिए सुनिए हर कवि, फूल पंखुड़ी से भी कोमल, अतुलित प्रभु महिमा। ये मन। एक्सक्यूज मी, कवि तेनालीराम जी, आगे की कविता मैं सुनाऊं क्या? क्या तुम कविता की अगली पंक्ति जानते हो? ये मन मुझको सुनो जरा तो बस, सुकुमार प्यार जो घटता बढ़ता हिम पहाड़,
उस प्रेम से ही वो भी हंसे, सीता ल जाई तो हर डाली हंसी। अरे आश्चर्य की बात है प्रभु, ये व्यक्ति तो विलक्षण प्रतिभा का धनी है, मेरे हृदय की बात जान ली। आश्चर्य है, अद्भुत है, कौन है ये परदेशी? प्रभु को मेरा प्रणाम, ये कृष्ण कुमार है और ये हेमलता, जंगल में लुटेरों से इन्होंने ही मुझे बचाया प्रभु। ओ बहुत अच्छा, वीर कुमार किस राज्य के रहने वाले हो? इसी राज्य का रहने वाला हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, किंतु तुम्हारी भाषा और वस्त्र तो विचित्र प्रतीत होते हैं, और तुमने मेरे हृदय की बातें ऐसे कैसे जान ली, भला ये कैसे संभव है बताओ तो। ये सीन मैंने चतुर तेनालीराम सिनेमा में देखा था कविराज। सिनेमा में? सिनेमा में हाँ, V.S. रंगा राव के डायरेक्शन में विक्रम प्रोडक्शन ने इस फिल्म को बनाया था, टाइटल था चतुर तेनालीराम। आपका पात्र जो है मशहूर अभिनेता जीवन ने निभाया था, उन्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तेनालीराम बहुत ही हैंडसम होंगे, लेकिन आप तो किसी भी एंगल से हैंडसम नहीं लगते, आपकी हाइट कम है, तोंद भी बाहर निकल आई है। आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बालक, बस सिनेमा विनेमा ही समझ में आ रहा है। कुमार, हमारे कवि जी जो कहना चाहते थे वो तुमने कैसे कह दिया, ये विद्या तुमने कहां सीखी? ये कोई विद्या विद्या नहीं है सर। महाराज, मैं भविष्य काल से आया हूं और ये वर्तमान काल है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है महाराज। मतलब हम लोग 21वीं सदी के लोग हैं और आपसे 500 साल बाद में आए हैं, इसलिए हमें सारी बातें पता है। इनके पिताजी ने ऐसा यंत्र बनाया जिससे हम किसी भी काल में जा सकते हैं, उसमें बैठकर ही हम लोग यहां पहुंचे हैं महाराज। कुमार, तुम्हारी बातें सुनकर हमें सच तो लगता है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा, अगर आप कहें तो मैं इसका पूरा विवरण कर सकता हूं। ठीक है, अभी आप विश्राम कीजिए, आपने राज नर्तकी को बचाया है, आज से आप हमारे खास मेहमान हैं। हाँ मंत्री जी। जी प्रभु। हमारे अतिथि को मेहमान महल में लेकर जाइए और इनकी सेवा अच्छी तरह से कीजिए। अरे ये मुझे गोले में बंद करके कहां भाग गया? अरे अरे कहां है? भाई ये कौन सी जगह है? विजयनगर। विजयनगर कौन सा? जहां चोरों को कुत्ते की तरह काटते हैं, वो है विजयनगर। ओह, यहां से हैदराबाद कितनी दूर है? इसको नहीं मालूम। ये तो चोरी कर रही है। ए लड़की, मैं तुम्हें चोरी करने के जुर्म में अरेस्ट करता हूँ, चलो पुलिस स्टेशन। नाथ प्रणाम। नाथ वो क्या है? आप ही मेरे प्राणनाथ हो। कौन प्राणनाथ, और तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रही हो? तुम्हें पता नहीं है मित्रवर, आज से तुम्हारी पत्नी हो गई। जो तुमने हाथ पकड़ लिया। ये क्या मुसीबत है, ये चोरी कर रही थी इसलिए मैंने इसका हाथ पकड़ा। महाराजा राय साहब के राज्य में चोरी ये बिल्कुल असंभव है मित्रवर, यहाँ जिसे जो चाहिए वो अपने आप ले जाता है। अब से तुम्हारी दासी है मित्र, हमारे राज्य का एक नियम है, कोई युवक किसी युवती का हाथ पकड़ ले तो वो उसकी पत्नी हो जाती है। अरे बाप रे बाप, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसका पैर या फिर उसकी उंगली पकड़ता। जरा उनको देखो। अब नाथ भाग ना रहे, हटो। ओ मेरे नाथ, बात सुनिए। क्या जमाना आ गया, पुलिस को भागना पड़ रहा है। नाथ नाथ नाथ, देखो वो आदमी, पहले वो कुछ हैदर हैदर कह रहा था, मुझे लगता है वो सुल्तान का भेजा हुआ जासूस है। हाँ उसके हाथ में अग्नि यंत्र है, चतुराई से पकड़ना होगा। ये तंजावर की वीणा है ना? अरे तुम लोग मुझे जाल डालकर क्यों पकड़ रहे हो, मैं क्या मछली हूँ या बंदर? जासूस हो ये हमें पता चल गया है, चलो। अरे अरे बचाओ, अरे अरे छोड़ो, अरे चुप रहो, क्या कर रहे हो? अरे ये तो पुलिस वाला है। अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो इसे, ये हमारे साथ है, छोड़ो इसे। हमारे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया। थैंक यू सर। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? ये बहुत लंबी कहानी, बाद में बताऊंगा, पर आप यहाँ कैसे? ये भी बहुत लंबी कहानी है, तो चल मेरे साथ। माई लाठी दे, फैंसी ड्रेस।
आर्य पुरुष प्रणाम। ये देखिए दूध और फल। थैंक यू। आप लोगों को और कुछ चाहिए होगा तो ये घंटा बजा दीजिए, परिचारिका जल्दी से आएगी और आपको दे देगी। थैंक यू। प्रणाम। अरे हमारे राज्य के सभी गायक तो अपने देश गए हुए हैं, फिर ये गाने की आवाज कैसे आ रही है? बाला सुब्रमण्यम, एसपी बाला सुब्रमण्यम। ये कौन है प्रभु? ये हमारे समय के मशहूर गायक हैं। वो कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, उनकी आवाज इस टेप रिकॉर्डर से आ रही है। ओ विचित्र, वो यहाँ नहीं है फिर भी इस यंत्र से उसकी आवाजें आ रही है। ये तो बड़ा विचित्र है। तुम अपनी आवाज सुनोगी? वो कैसे? वो यहाँ नहीं है फिर भी इस यंत्र से उसकी आवाजें आ रही है। ये तो बड़ा विचित्र है। तुम अपनी आवाज सुनोगी? वो कैसे? चित्रलेखा, चारुलता, रजनीका, मनीषा, अरे जल्दी आओ, पुष्पा, रत्ना। जय जय दाता भाग्य विधाता विश्व विधाता गदाधर, जय जय दुख को हरने वाले तन मन अर्पित तुमको सदा, जय जय जग के पालन हारे तुम पूरन परमात्मा, जय जय सृष्टि को रचने वाले करें सदा तेरी जय जयकार, जय जय दाता भाग्य विधाता विश्व विधाता गदाधर। प्रणाम मित्रवर। महाराज को मेरा प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये हीरा, ये पितामह का है। ये हीरा हमारे पूर्वजों की निशानी है मित्र, ये बहुत शक्तिशाली है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती है महा अद्भुत दृश्य होता है, उसका वर्णन मुंह से नहीं किया जा सकता, उस दृश्य का केवल अनुभव किया जा सकता है परंतु बताया नहीं जा सकता। पर आपको कोई संदेह है? हमारे राज्य के पंडित जी ने इस हीरे के बारे में भविष्यवाणी की है कि यह अद्भुत हीरा हर 500 साल में एक बार चोरी जरूर होगा। ये अभिशापित हीरा चोरी जरूर होगा लेकिन कब होगा ये हमें पता नहीं है। मैं इस युग के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन 500 साल बाद जरूर होगा, ऐसा मैं यकीन से कह सकता हूँ। म्यूजियम से जो हीरा चोरी हुआ था ना हेमा, किशोर जिसके बारे में हमें हमेशा बताता रहता है, उन्होंने कहा है ना कार्तिक के दिन उस हीरे में अद्भुत चमक आएगी। करेक्ट, हम कार्तिक के दिन उसकी चमक देखेंगे और उसके बाद ही वापस जाएंगे और म्यूजियम में रखे हीरे को चेक करेंगे। भाई साहब यहाँ बीड़ी की दुकान कहाँ है? बीड़ी वो क्या होती है भाई, अब किससे पूछूं? ए भगवान, ये विजयनगर में भी विचित्र लोग रहते हैं। यहाँ सिगार तो मिलता है लेकिन छुट्टा बीड़ी सिगरेट कोई नहीं बेचता। मैं दे सकती हूँ नाथ। तुम? हाँ मैं, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी। सिगार? हाँ, ये बहुत कीमती और शक्तिशाली भी है। वो तो लगी रहा है। हे भगवान, विजयनगर के सिगार में बहुत नशा है लगता है, मेरा सर चकरा रहा है। नाथ, वो मेरे प्राण नाथ। ये सब क्या है, क्या हुआ? कल हमारी शादी हुई थी और आज सुहागरात हो गई। हाँ। कृष्णा, कॉफी नहीं पीने से मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, क्या इस गांव में कॉफी नहीं मिलेगी? यहाँ स्पेशल भांग मिलती है, कहो तो तुम्हारे लिए स्पेशल भांग मंगवा देता हूँ।
हेलो माधवी। आर्य पुरुष को प्रणाम। कैसे आना हुआ? आपके हाथ में क्या है? ये रेजर है, दाढ़ी बनाने के काम आता है। रेजर? रेजर से आप अपने आप बाल काटते हो क्या? आपके यहाँ नाई नहीं होते आर्य पुरुष? कौन नाई, वो कौन होते हैं? अरे बार्बर। ओ आई सी। हम अपना काम खुद करते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये नाई का काम आप स्वयं करते हो? बड़ा आश्चर्य है। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजनीति की सीमा नंदिनी ने आज रात्रि आपको अकेले ही रात्रि भोज के लिए आपको आमंत्रण दिया है। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे। क्षमा करें, आपको अकेले ही बुलाया है। ओ, रात्रि भोज में अकेले बुलाया है। हेमा, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। हेमा सुनो तो, हम जरूर आएंगे। अकेले ही आना है? हाँ ठीक है, आ गया। हेमा ऐसे क्यों रुट गई हो तुम? उसने तुम्हें अकेले बुलाया है, अकेले में क्या काम पड़ गया? अरे उस नर्तकी से मुझे क्या काम, मेरे लिए तो मेरी रानी सब कुछ है। हेलो, कामुक प्रदर्शन करके मेरी नजरों में अपनी इज्जत कम मत कीजिए। प्रेम जो है वो हृदय से शुरू होता है, इसमें शारीरिक नहीं आत्मा का मिलन होता है। गुड बाय। मैं सोच रहा हूँ हिमा, अगर उसने उन्हें अकेले बुलाया तो वो मना कर सकते थे ना, वहाँ अकेले जाने की क्या जरूरत थी? जरूर उनके दिल में भी कुछ है, इसीलिए तो गए है ना, नहीं तो आधी रात को उस नर्तकी के पास अकेले जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
हेमा जानती हो वहाँ क्या हुआ? हेमा सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ कहने तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझसे बात मत करो। सुनना पड़ेगा, सुनो। दिल भी तेरा, ये जान भी तेरी, चाहे जो भी मांग लो। दिल भी तेरा, सब कुछ है तेरा, अब और क्या कहूँ। बसी जाने तमन्ना, अब जिंदगी में हर कदम पे साथ ही रहना। इस प्यार के संसार में हम चलते रहें इस तरह। दिल भी तेरा, ये जान भी तेरी, चाहे जो भी मांग लो। आहा, दिल भी तेरा, ये जान भी तेरी, चाहे जो भी मांग लो। कहूं तुझे अब क्या मैं कहूं, गीत मेरे प्रीत मेरी तुझ पे आज वार दूं। दिल भी तेरा, ये जा भी तेरी, चाहे जो भी मांग लो। आहा, दिल भी तेरा, सब कुछ है तेरा, अब और क्या कहूं। आश्चर्य, महाअद्भुत, अनुचर ने बताया कि एक ऐसा यंत्र है जिससे स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है और एक यंत्र से मधुर संगीत सुनाई देता है। इतना ही नहीं प्रभु, इंसानों को हिलते डुलते टीवी में, देश विदेश अपने लोगों से बात करने के लिए टेलीफोन है, और ऐसे कई यंत्र है हमारे युग में। वहाँ पर ऐसे अनोखे यंत्र है और उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, तो प्रभु कौन है? हमारे यहाँ कोई प्रभु नहीं है, हमारे यहाँ प्रजा ही प्रभु है। जो इलेक्शन जीतता है हम उसे पदवी देते हैं। अच्छा, ये कैसा राज्य है जहाँ पर कोई भी राजा नहीं है, प्रजा ही प्रभु है? बड़ा विचित्र है। महाराजा धीराज की जय हो। कहो क्या बात है? कल राज्यसभा में इस देश के सबसे बड़े महान कवि, जिन्होंने बड़े बड़े कवियों को हराया है, श्री निसर्ग कवि महाराज यहाँ पर पधार रहे हैं। निसर्ग कवि राज आ रहे हैं? अब क्या होगा? अब तो विजयनगर की प्रतिष्ठा पर दाग ही लग जाएगा। बड़ी विकट समस्या है। क्या बात है प्रभु? ये राज्य के लिए बड़ी विकट परिस्थिति है। ये निसर्ग कवि, जिनके सवालों का कोई आज तक जवाब नहीं दे पाया, और वो हर राज्य को आसानी से हराते आए हैं। अच्छा, वो कवि इतने ज्ञानी है? वो कवि ही है या प्रलय है? उस कवि ने एक साथ में 6 राज्यों के बड़े से बड़े कवियों को हराया है, और अब हमारे राज्य को। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल वो कवि यहाँ आएंगे और वो निसर्ग कवि हार कर जाएंगे, और विजयनगर की प्रतिष्ठा और गरिमा हमेशा बनी रहेगी। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी सत्य हो जाए, तुम्हारी बात सच हुई तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर। कौन हो तुम? नई दासी हूँ, महारानी के लिए फ्रूट्स लेकर जा रही हूँ। माने? अरे फ्रूट्स मतलब फल, संस्कृत में फल को फ्रूट्स कहते हैं। ये देखो। ठीक है, जाओ जाओ। हंसना बंद करो, महारानी के स्नान का समय हो गया, जाओ। हेलो डार्लिंग। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा नाथ हूँ। अरे आप अंदर आइए। आप यहाँ क्यों आए हो? उस दिन हमारी सुहागरात हुई, तब से मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। तुम्हें देखने का मन कर रहा था, इसलिए भेष बदल के मटक मटक के मटक मटक। रानी के कक्ष में पुरुषों का आना मना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर किसी ने देख लिया तो प्राण जा सकते हैं। प्राण को जाने दो, बहुत बड़ा विलेन था, पर मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। मैं आपको सायंकाल में मिली, अभी आप जाइए, सच में मैं मिलूंगी। अभी चलो ना। अभी चलो भी। चलो
ए, रुको 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 रुको, फ्रूट्स वापस क्यों लिए जा रही हो? महारानी ने फ्रूट्स के लिए मना कर दिया और स्वीट्स लाने के लिए कहा है। स्वीट्स मतलब? फ्रूट मतलब फल और स्वीट मतलब मिठाई। ये संस्कृत है। माधवी, कल मैं मेला जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मेरे लिए अच्छी सी चूड़ियाँ ले आना। मेरे लिए चूड़ियाँ लाना। चूड़ियाँ लाना? संस्कृत है इडियट। ये संस्कृत है। हाँ, हाँ, चलो। संस्कृत है। ये संस्कृत है। भाव भोग स्वभाव में अंतर क्या है? भाव भोग स्वभाव में अंतर क्या है? भाव भोग स्वभाव में अंतर क्या है? भाव भोग और स्वभाव में अंतर क्या है, बताइए। क्या हुआ कवि महोदय? इसके शब्दों का तो कोई तालमेल ही नहीं बैठता। उसके शब्दों का कभी कोई तालमेल बैठा है? मेरी बात मानो, उसके प्रश्नों का उत्तर उसी की भाषा में दो। इनके प्रश्नों का उत्तर इन्हीं की भाषा में? पर वो कैसे होगा? आपने कभी प्रश्न नहीं पूछा? कुछ बेसिर पैर की बातें पूछ डालो। देखा, कोई तरकीब आ रही है? नहीं, प्रजा पर राज करने वाला प्रभु और प्रजा जिसकी बात माने वो भी प्रभु, इसका अर्थ आना जाना और फिर आना फिर जाना। हाँ करेक्ट, अगर ये सब मिल जाए तो यानी कमन। परफेक्ट, अब इसका गीत बनाओ और कह दो। हाँ निसर्ग कवि महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पूछिए, मैं प्रयत्न करूंगा। अब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दो। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आपके बारे में सुना जाता है कि आप सर्वज्ञानी हैं और साक्षात सरस्वती के पुत्र हैं, फिर इस प्रश्न के उत्तर में संकोच क्यों? प्रभु के समक्ष मैं अपने प्रश्न के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। यह जय पराजय की बात नहीं है, यह कवियों की मान सम्मान की बात है। मेरे अतिथि ने तुम्हारी आंखें खोल दी। कृष्ण कुमार, तुम जो कुछ भी चाहो तुम्हें मिलेगा। तेनालीराम की जो जीत हुई, इसमें तुम्हारी बुद्धि का भी योगदान है। हम तुम्हारे ऋणी हैं और राज्य तुम्हारा सत्कार करेगा। जिसने मेरा अपमान किया है उसका सम्मान नहीं होना चाहिए, ऐसा करना होगा जिससे उसका भरी सभा में अपमान हो। क्या करना होगा देवी? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, षड्यंत्र रचना होगा। कौन सा षड्यंत्र? छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो। क्यों महाराज? छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। सब कुछ महाराज से पूछो। चलो महाराज। सेनापति, ये क्या है? क्षमा करना महाराज, ये राज नर्त की आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रही थी, मैंने देखा और उस प्रयत्न को असफल कर आपके समक्ष ले आया। आत्महत्या का प्रयत्न? नंदिनी, क्या ये सत्य है? हाँ प्रभु। ऐसा क्या कष्ट आ गया तुम्हें? मेरे साथ धोखा हुआ है प्रभु। किसने तुम्हारे साथ धोखा किया? इस कृष्ण कुमार ने। मैं? इस पापी ने जब मेरा नृत्य देखा तो ये मुझ पर मंत्रमुग्ध हो गया, ये मेरे समीप आया और मुझे विवाह का प्रलोभन देकर मेरे साथ व्यभिचार किया, और ये सब होने के बाद जब मैंने विवाह करने को कहा, हे मां कैसा शादी करूंगा, ऐसे कहने लगा, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। Shut up, you dirty woman. मैंने कब शादी का वादा किया था? प्रभु, इसने मुझे रात में बुलाया और काम वासना का प्रदर्शन किया, तब मैंने इसे मना कर दिया। यह उसे गुस्से में आकर मुझ पर आरोप लगा रही है प्रभु। नंदिनी, मैं प्रभु की सौगंध खाती हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ कि इसने मेरा नृत्य देखा और मुझ पर मुक्त हो गया। हाँ, तुम सबसे बड़ी नृत्यांगना हो, तुमसे अच्छा तो हेमा भरतनाट्यम कर सकती है। मुझ जैसे नृत्य करने वाला पृथ्वी लोक में कोई नहीं। सीमा नंदिनी, तुम्हारी पृथ्वी तो ये सभा ही है, इस पृथ्वी पर तुमसे अच्छा नृत्य कोई नहीं कर सकता, तो ये तुम्हारा घमंड है, समझी? प्रभु, ये व्यक्ति सभा का अपमान कर रहा है। नंदिनी एक अच्छी राजनर्तकी नहीं है, ये कहकर ये व्यक्ति नंदिनी का नहीं प्रभु आपका अपमान कर रहा है। सेनापति, कितने विद्वानों ने सच कहा है, हो सकता है ये जो कह रहा है वो सच हो। मंत्रीवर,
आपसे एक विनती है। इनका कहना है कि हेमा मुझसे अच्छी नर्तकी है और हेमा भरतनाट्यम में भी निपुण है। एस कृष्ण कुमार ने कहा कि हेमा श्रेष्ठ नर्तकी है तो मेरी इससे नृत्य स्पर्धा हो जाए। ओह व्हाट नॉनसेंस, डांस कॉम्पिटिशन। ओके मैं रेडी हूँ डांस कॉम्पिटिशन के लिए। इसे हरा कर मैं इसका मुंह बंद कर दूंगी। हेमा ये क्या बोल रही हो? ये चुनौती मुझे स्वीकार है। मंत्री जी। प्रभु। जब दोनों नर्तकी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो तो इनकी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रबंध करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, अभी प्रबंध करता हूँ।
रम पम पा रम पा पम पा रम पम पा रम पा पम पा ढाल मेरी ऐसी बाजे ठीक है नहीं कोई आगे डिस्को करूं मैं तो ऐसा हे मिथुन चक्रवर्ती जैसा देखो मैं तो नाचू कैसे पीटी उषा दौड़ जैसे होनी जैसे छक्का मारे टाइसन जैसे मुक्का मारे रॉक 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 एंड रोल शेक 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 एंड रोल रॉक 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 एंड रोल शेक 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 एंड रोल रम पा 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 मंत्री जी प्रभु निर्णय दीजिए ये नृत्य स्पर्धा में सौभाग्यशाली हेमा और चिरंजीवी कृष्ण कुमार बिल्कुल निर्दोष है महाराज नंदनी स्वार्थ हेतु मन में बदले की भावना को लेकर महाराज के अतीत को अपमानित किया है इन्हें राज नर्तकी के पद से हटाया जाता है कृष्ण कुमार राज नर्तकी ने आपका अपमान किया मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है यह आपकी उदारता है सभी आपकी बड़ाई करते हैं हमारी वजह से आपको जो ठेस पहुंची उसके लिए क्षमा कर दीजिए सीमा नंदनी ने आपका जो अपमान किया उसके प्रायश्चित में तुम्हें राज्य से जो भी चाहिए वो मांगो खुशी से देंगे हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु बस कल रात को हीरे पर जो रोशनी पड़ेगी उसे सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं अवश्य इस सुंदर दृश्य को हम भी तुम्हारे साथ देखेंगे सायंकाल के समय चंद्रमा की किरणें पड़ने पर उसमें से सतरंगी प्रकाश निकलता है थैंक यू सर अद्भुत है महाराज ऐसा दृश्य तुम्हें और कहीं देखने नहीं मिलेगा कृष्ण कुमार ऐसी किरणें कार्तिक पूर्णिमा में ही दिखाई देती है कार्तिक मास ईश्वर का सबसे अच्छा मास है यह कीमती हीरा ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को अपने हाथों से दिया है यह चमत्कारी हीरा है इसमें से केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही ऐसा प्रकाश निकलता है हम दोनों अपनी खुशी को दिखा नहीं सकते महाराज हम आपके आभारी हैं हमने इस पल को देख लिया है यही हमारी खुशनसीबी है महाराज जिस इंसान ने प्रभु के समक्ष मेरा अपमान किया है उसका तो बदला मैं लेके रहूंगी पर कैसे देवी दो दिन बाद तो कृष्ण कुमार अपने देश को प्रस्थान कर रहे हैं उसे रोकना होगा सेनापति रोकना ही होगा उसके अहम को प्रभु की क्रोध अग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म होना ही होगा सेनापति कुछ भी गलत ना होने पाए आज रात को पूजा मंदिर में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा समझ रहे हो मेरी बात सेनापति होकर के चोरी कर रहे हो कविराज आप यहाँ राज की रक्षा करने वाला सेनापति राजद्रोह कर रहा है ये महाराज को भी ज्ञात होना चाहिए इसे बंदी बना लो ये क्या कर रहे हो छोड़ो मुझे
कौन है? बताओ मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी पेटी में वो हीरा रखने का क्या मतलब है? बताओ बताओ। कुमार सेनापति, ये सब क्या है? महाराज, ये परदेसी चोर है। पूजा कक्ष में प्रवेश करके हमारे राज्य का सबसे मूल्यवान हीरा चोरी करके ले जा रहा था। हमने रोकने का प्रयत्न किया और ये वार करने लगा। नहीं नहीं प्रभु, हीरा सेनापति ने चुराया है। ये मेरे कमरे में आकर मेरी पेटी में हीरा रखना चाह रहा था। मैंने देख लिया और मैंने इसे पकड़ लिया। महाराज, अगर मैंने हीरा चुराया होता तो इस समय ये हीरा इसके हाथ में क्यों है? द्रोही, तुम चोर हो। तुम हीरे की लीला इसलिए देखना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे मन में कपट था। तुम राजद्रोही हो। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी तुम्हें भयानक सजा मिलेगी। सेनापति, इसके हाथ से हीरा छीन लो। परमेश्वर का प्रसाद चुराने की कोशिश की तुमने विजयनगर के साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के साथ धोखा किया है। इसको फांसी चढ़ा दिया जाए। महाराज, हमारी आज्ञा का पालन हो। कृष्णा सर, ये सब क्या हो गया? कृष्णा, ये क्या बिना वारंट के अरेस्ट कर रहे हैं? इन लोगों को लेके जाओ। अरे डैम इट, व्हाट द हेल हैपनिंग हियर, लीव मी अलोन। ये कौन सी भाषा? अरे इंग्लिश मत बोलो, इन्हें 200 साल और लगेंगे इंग्लिश सीखने में। इस विजयनगर का महाराजा होने के नाते मुझे जो उचित फैसला लगा मैंने किया महामंत्री। वो रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे दंड देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मेरा मन कहता है कि कृष्ण कुमार बेकसूर है। इस दुविधा से मुझे बाहर निकालिए मंत्री जी, ताकि मैं उसके साथ कुछ उचित न्याय कर सकूं। अरे ये कैसा अन्याय है? और तुम लोग रिश्वत विश्वत नहीं लेते क्या? कुछ लेते के छोड़ दो। मेरा कृष्णा बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। उसे सजा देना अन्याय है, तुम्हें पाप लगेगा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, संगीत कला और कीर्ति से परिपूर्ण विजयनगर के साम्राज्य में, कृष्णदेव राय के राज्य में, दुर्भाग्य की बात है, न्याय और अन्याय का कोई मोल नहीं रहा। आज यहाँ निर्दोष को मौत की सजा सुनाई जा रही है। मेरे खून से विजयनगर का इतिहास लिखा जाएगा। मरने से पहले अमर प्रवचन।
छोड़ दो कृष्णा। अरे छोड़ दो उन्हें, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे कृष्णा, ऐसा मत कीजिए। चलो चलो जल्दी करो चलो। प्रभु प्रभु, कृष्ण कुमार निर्दोष है। अपने पूजा मंदिर से सेनापति ने ही हीरा चुराया था। मैं इसका साक्षी हूँ। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस दुष्ट ने मुझे बंदी बना लिया। माधवी की सहायता से मैं छूट कर आया हूँ प्रभु। आहा, मंत्री जी, आपकी बुद्धि को और दूरदर्शिता को मेरा प्रणाम। कृष्ण कुमार निर्दोष है, मेरा दिल कहता था, इसीलिए मैंने उसकी रक्षा की। मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? सर पता नहीं। उन्नीस सौ 87 हम लोग पहुंच रहे हैं। अरे पहुंच गए सर। सर ये आगे बढ़ रहा है, रोकिए रोकिए सर। अरे कुछ कीजिए, ये तो आगे जा रहे हैं। हम लोग भविष्य में जा रहे हैं सर। तुम चुप हो। अरे सर हम 5 अप्रैल 2504 साल में आ गए हैं। इसका मतलब हम लोग भविष्य में पहुंच गए सर। हाँ सर, ये कैसी टाइम मशीन है सर? मेरा टाइम खराब था सर जो मैं इसमें आ गया। मेरी बद्दुआ लगेगी उस चोर को, उसकी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ। वो क्या है? कोई फैक्ट्री है क्या? नहीं, कोई प्रयोगशाला है। सर मेरा पूरा शरीर जल रहा है सर। हाँ मुझे भी जल रहा है। क्या हो रहा है? अरे ओए, हाँ तुम लोग यहाँ आओ। वो हमें बुला रहे हैं। कम ऑन, मेक इट फास्ट। चलो चलो जल्दी चलो। कम क्विकली, कम 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 ऑन, मेक इट फास्ट। आप कौन है सर? मैं यहाँ का चीफ साइंटिस्ट हूँ। कंट्रोल रूम से पता चला कि आपकी टाइम मशीन खराब हुई और आप लोग यहाँ लैंड हुए। अच्छा हुआ आप लोग यहीं पे लैंड हुए, अगर और दूर जाते तो मुश्किल होती। अरे पर ये छाले। हमारे बारे में आपको पता है? आप लोग 2004 से आए हैं ये मुझे पता है। ये लिफ्ट हमें कहाँ ले जा रही है? मेरे होम टाउन। होम टाउन? हाँ यहाँ। यू सी,
यहाँ हुए महायुद्ध में एटम बम फटा था जिसके कारण पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। उस विनाश में से कुछ बचे थे और वो हम हैं। उस युद्ध के कारण चारों तरफ रेडिएशन फैल गया। ये जो बबल्स आए हैं ना, ये सब रेडिएशन का प्रभाव। इस वातावरण में आप कैसे रह लेते हैं? रेडिएशन इफेक्ट से बचने के लिए हमें भूगर्भ में रहना पड़ता है। उसके लिए हमने अंडरग्राउंड सेल बनाई हुई है। सर जी, इसका मतलब अब हमको पाताल लोक में रहना पड़ेगा? मेरे पूरे शरीर में फोड़े आ रहे हैं सर। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। नीचे एंटी रेडिएशन सेल है, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, जल्दी आइए। कम ऑन, ये रहा एंटी रेडिएशन सेल। कम ऑन, किसी चीज को हाथ मत लगाना। यहां खड़े हो जाइए, यहीं पर रुकेगा। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारा पुलिस स्टेशन है। ये पुलिस स्टेशन है, ये तो 5-स्टार होटल जैसा लग रहा है। थैंक यू। बाय द वे, हमारे आदमी आपकी टाइम मशीन रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो 8 घंटे के अंदर रिपेयर हो जानी चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। डेंजर? वो कैसे? यानी टाइम मशीन 8 घंटे के अंदर ठीक नहीं हुई, आप लोग इस वातावरण में केवल 8 घंटे ही जिंदा रह सकते हो। अरे बाप रे। तुम चुप रहो। ओके आइए, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुका है। अरे सर, रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? हमने तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा, फोटो भी नहीं दी, फिर कैसे हो गया? यहाँ अंदर आते ही सबके फोटोज और जानकारी हमारे कंप्यूटर में फीड हो जाती है। सुनिए जी, हमारे बेटी का और साइंटिस्ट के बेटे का ब्लड ग्रुप और ECG मैच हो गया। शाम को मिल रहे हैं सब लोग। सही है। अपने दोस्तों को और साइंटिस्ट को निमंत्रण दे देना। सब लोग टीवी देखकर शादी में आ जाएंगे, समझ गए? या फिर से बताओ? ठीक है ठीक है ठीक है, कहकर भूल जाते हो। जल्दी घर आ जाना, घर पे बहुत काम पड़े हैं। हाँ, और एक बात, टमाटर का भाव 1500 रुपए किलो है, आते समय भाव करके 2 किलो टमाटर साथ में ले आना। ठीक है। माय वाइफ। इसकी बीवी को देखकर मुझे मेरी राधा की याद आ गई। ये तो टीवी पर देख के बात भी कर लेता है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। काश वो मेरे साथ आ जाती। सर, मेरे मन की बात ये हॉल में क्यों गूंज रही है? आप जो कुछ भी मन में सोचते हैं वो आपकी मानसिक तरंगों के जरिए स्पीकर के माध्यम से आपको पुनः सुनाई देती है। अरे बाप रे, ये कैसी जगह फंस गए? यहाँ तो मन में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। अरे तुम ऐसे भी हमेशा बड़बड़ करते ही रहते हो, मन में सोचोगे तो यहाँ सुनाई देगा। अरे मैं तो एकदम चुप हूँ, पता नहीं मेरे मन की बात कैसे इस हॉल में गूंज रही है। पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या लगा रखा है। ये क्या है, बेल्ट से कुछ आवाज आ रही है, क्या इसका भी कुछ मतलब है? आपकी भी बची, मेरी भी। आपको अभी भूख लगी है, ये हमारा स्टमक मीटर बता रहा है। अरे भूख लगी तो मुंह से बोल सकते हैं, इसमें इस मीटर की क्या जरूरत है? भैया ये बात हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, जो हमारा कंप्यूटर कहेगा वो हमें करना पड़ता है। चलो चलो आओ, मैं तुम्हें हमारे चीफ साइंटिस्ट से मिलवाता हूँ। ये सब ऊपर क्या घूम रहा है, उपग्रह है या कुछ और? नहीं सर, वो एरियल ट्रैफिक है, जैसे रोड ट्रैफिक होता है ना वैसे ही एयर ट्रैफिक है। सर हाँ, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं तब तक हमें यही ड्रेस, एरियल, मीटर, इन सब से काम चलाना पड़ेगा। इसकी जरूरत सिर्फ अंदर ही पड़ती है, रेडिएशन की वजह से। ये सब बातें छोड़िए, मैं इस सदी की आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। आइए प्लीज कम। आइए आइए आइए, ये देखो हमारा एक और करिश्मा, इसको हाथ लगाते ही संगीत शुरू होता है। टेप रिकॉर्डर में भी संगीत होता है, इसमें नया क्या है? लेकिन आपके टेप रिकॉर्डर पे संगीत आपको भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे संगीत अपने आप शुरू होता है। जस्ट ट्राई प्लीज। हाँ। अरे अरे अरे, ये क्या चारमीनार का मॉडल है? मॉडल नहीं, चारमीनार ही है। हाँ हाँ, जब दुनिया तबाह हो रही थी तब हमने इसे बचा लिया, जितना भाग बच सका उतना हमने बचा लिया। ओह फैंटास्टिक। कम कम दिस वे, लगता है यहाँ पर सिगरेट बीड़ी जरूर मिलेगी।
अरे सर, इसे इस तरह क्यों ले जा रहे हैं? क्या किया इसने? रेप या मर्डर? उससे भी बड़ा गुनाह, इसने सिगरेट पिया है जो यहाँ कानूनी प्रतिबंधित है। इसकी मौत की सजा तय है। क्या? सिगरेट के लिए मौत की सजा? यस, ये जगह अंडरग्राउंड है। आग की थोड़ी सी भी चिंगारी गिरी, चैप्टर क्लोज्ड। भाई यहाँ सिगरेट मिलेगी? अरे नहीं देना है तो मत दो, भाग क्यों रहे हो? सिगरेट? मैडम, सिगरेट बोले तो वो आग लगाकर जो वो ऐसे ऐसे खींचते ना, वही। इसके लिए मौत की सजा है। एक सिगरेट के लिए मौत? इससे तो विजयनगर ठीक था, सिगार तो मिलता था। अरे कहाँ गया वो? हमारे साथ ही तो था। और वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमें जाना कहाँ है। एक्सक्यूज मी सर। यस। ये लोग यहाँ पे नए हैं, इनका एक साथी गुम गया है, उसे खोजने में इनकी मदद कीजिए प्लीज। ठीक है, आइए। हेमा, तुम यहीं पर रुकना, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। You don't worry about her. Yes, come on fast. ये हमारा पावर हाउस है, हमें कंट्रोल रूम से मैसेज मिला, वो यहीं है। हवलदार, कहाँ हो तुम हवलदार? सर, मैं यहाँ हूँ सर। सर, 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 उनसे कहिए सर कि मैं तो क्या मेरा बाप भी सिगरेट नहीं मांगेगा, मुझे एक बार माफ कर दें। ओके, ठीक है ठीक है, तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। हाँ, वरना हम सब मर जाएंगे, नहीं तो तुम ही खुद मार डालोगे। चलो सर, चलो सर, चलो यहाँ से। ये हीरा, ये राजा कृष्णदेव के जमाने का है, वहाँ इसकी पूजा होती थी। तुम्हारी सदी में इसे म्यूजियम में रखा था और अब ये हमारे पास है, इससे हम करंट प्रोड्यूस करके सप्लाई करते हैं। पर ये हवा में कैसे तैर रहा है रॉबर्ट जी? हेमा, हेमा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे चक्कर आ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। आई थिंक वातावरण का रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कम ऑन, कम। पुराने समय की जानकारी लेने के लिए और पास्ट की कोई भी चीज देखने के लिए हम इस वीडियो स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, और इस डायमंड की और जानकारी के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। ये हीरा कृष्णदेव राय के पूर्वजों का है, राज पूजा मंदिर में रखकर इसकी नित्य पूजा की जाती थी। उसके 500 साल के बाद सन 2004 में ये हीरा हैदराबाद के एक म्यूजियम में रखा गया, और कुछ समय बीतने के बाद राजा साहब नामक व्यक्ति ने वैसा ही डुप्लीकेट हीरा वहां रखकर इस कीमती हीरे को चुरा लिया। तब मार्च 15 तारीख को कृष्ण कुमार और राजा साहब के बीच झगड़ा हुआ, ये हीरा फिर म्यूजियम में पहुंच गया। उसी समय राजा साहब ने टाइम मशीन हासिल करने के लिए प्रोफेसर रामदास का किडनैप किया। इसके बाद प्रोफेसर रामदास को राजा साहब से बचाते हुए कृष्ण कुमार का निधन हो गया, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। हा? अधिक जानकारी के लिए 15 मार्च का इवनिंग एडिशन पढ़िए। सर, ये क्या सर, आप मर जाएंगे? चुप रहो। अरे ये सर, मुझे अपनी परवाह नहीं, तुम मुझसे एक वादा करो, ये खबर तुम हेमा को बिल्कुल नहीं बताओगे। पर सर, मुझसे वादा करो। सर, मुझे चक्कर आ रहा है सर। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कृष्ण कुमार, इसे जल्दी से ले जाओ, लगता है ये यहाँ के वातावरण में सांस नहीं ले पा रहा है। जल्दी करो, इसे टाइम मशीन के पास चलो। अब जल्दी करो। कमन 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 फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम। रेडिएशन का इफेक्ट होने से पहले जल्दी से टाइम मशीन में बैठो। हमने आपकी टाइम मशीन को बिल्कुल ठीक कर दिया है। चलो, बटन दबा दो, सिस्टम शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर पे प्रेजेंट का टाइम फिट कर दिया गया। ओके ओके, टेक ऑफ। थैंक यू, गुड लक। हेलो, एरियल स्टेशन, एरियल स्टेशन, आदित्य 369 टेकिंग ऑफ, आदित्य 369 टेकिंग ऑफ। हेलो बेटा कृष्णा, तुम आ गए? हाँ, सब ठीक है, यही बताने के लिए फोन किया मैंने। आपके यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और एक होटल में रुका हुआ हूँ। मेरा एक दोस्त बेहोश है, उसके होश में आते ही हम लोग वहाँ सेफली पहुँच जाएंगे। हेमा कहाँ है? हेमा यहीं पे है। क्या बात है, क्या हुआ माँ? बेटा, हेमा के डैडी को और किशोर को किसी ने किडनैप किया है। कृष्णा, क्या हुआ? कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी को राजा साहब ने किडनैप कर लिया है। ओह गॉड, डोंट वरी, मुझे मालूम है वो कहाँ पे हैं। तुम यहीं रुककर इस हवलदार का ख्याल रखो, मैं जल्दी आता हूँ। प्रोफेसर रामदास को राजा साहब से बचाते हुए कृष्ण कुमार का निधन हो गया, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। क्या हुआ कृष्णा? कुछ नहीं। देखिए प्रोफेसर साहब, बड़ी बड़ी चीजें बनाना आपका काम है, क्यूरेटर जी। दिखाना आपका काम है और संभालना हमारा काम है। टाइम मशीन कहाँ है प्रोफेसर? टाइम मशीन मतलब?
अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, याद दिलाऊं? राजा साहब, आपका वायलिन सुन के कितना मधुर वायलेंस फैल रहा है। यू आर ग्रेट राजा साहब। क्या बता दो? अच्छी, बोलो बेटे। टाइम मशीन सब झूठ है। वो सिर्फ एक खिलौना है, उसमें कुछ नहीं। एक छोटा सा ग्लोब है जिसमें बल्ब जलते हैं, बस वो खिलौना है। क्या कहा, टाइम मशीन खिलौना है? झूठ बोलते हो। दुनिया में जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया, और तुम बोलते हो खिलौना है। ये सब मैं आपको बचाने के लिए कह रहा हूँ। वो लोग मार डालेंगे। मारते हैं तो मार डाले, लेकिन मेरी टाइम मशीन अद्भुत है। वेरी गुड, वो टाइम मशीन अब मुझे चाहिए। अरे प्रोफेसर, हमारे राजा साहब तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम राजा जी की बात मान लो, वो तुम्हें छोड़ देंगे। जानते हो, मुझसे हीरा लाने को कहा था। फंस ना जाऊं इस डर से, वहां नकली हीरा रख के असली हीरा इन्हें ला कर दे दिया। ये वही डायमंड है जो इन लोगों ने म्यूजियम से चुराया था। बहुत बकबक करता है तू छोकरे। चौबीस घंटे के अंदर अंदर वो टाइम मशीन मेरे पास आ जानी चाहिए, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हें संगीत सुना सुना के मार डालेंगे। सर सर, मैंने टाइम मशीन देखी। मैंने भी देखा है। चलो मुझे। Don't move.
नाउ कम आउट जल्दी। मशीन से हम फ्यूचर में गए थे, वहां आज शाम के अखबार में हमने एक खबर देखी। आज शाम को राजा साहब से लड़ते हुए कृष्णा की मौत हो जाएगी। होते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ही साहब को मारा है माँ जी। उसी वक्त मुझे बेहोश होना था और थोड़ी देर पहले ही जागना था। मैं तो साहब को जाने ही नहीं देता। मैंने ही मार डाला माँ जी, साहब को मैंने ही मार डाला। तुम क्या कर सकते थे बेटा, उसका समय हो गया था।
ये तो विधि लिखित था, वो होना ही था। उसका समय आ गया था, वो चला गया। कृष्णा बेटा। माँ। सर। बेटा। आप जिंदा हैं सर, पर आप बचे कैसे सर? टाइम मशीन फटने से पहले मैं उसमें से कूद गया, उसके बाद ही धमाका हुआ। वहां से नीचे गिरते ही कुछ मेरे सिर में लगा और मैं बेहोश हो गया। और जो हमने फ्यूचर में देखा था वो क्या था? अरे वो हमने आज के दिन मेरे मौत की खबर देखी थी, पर कल के दिन में न्यूज में मेरे जिंदा होने की खबर बड़े बड़े हेडलाइंस में थी। अरे फ्यूचर में हमने कल का पेपर देखा था, आज का पेपर देखते तो हमें पता चलता। नहीं समझी? नहीं। तो फिर जाने दो। जाने दो बेटा, तुम पर बुरी नजर थी, टल गई। आंटी, अंकल वापस आ गए, अब मुझे पार्टी चाहिए। श्योर। टाइम मशीन के जैसे आइसक्रीम चाहिए। अरे नहीं रे बाबा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं सर, जय हिंद सर। क्या हुआ ग्रैंडपा, अपसेट है क्या? हाँ अपसेट तो हूँ, मेरी टाइम मशीन तो चली गई ना। ठीक है ना प्रोफेसर, फिर से बना लेना अपनी टाइम मशीन, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हम उस टाइम मशीन की हेल्प से पास्ट में भी और फ्यूचर में भी जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी को उससे कुछ फायदा है क्या? हाँ, you are right. अगर कुछ करना है तो आज के लिए करना चाहिए, हर किसी की यूज में आने वाली चीज बनाओ। ग्रैंडपा से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।